आप ये आसान और रोचक उपकरण घर में ही बना सकते हैं, हाइड्रोलिक जैक। जैक्स का उपयोग कम इंसानी मेहनत से भारी वजन उठाने के लिए होता है। ये मैकेनिकल एडवांटेज के सिद्धांत को दर्शाता है। इसके अनुसार अधिक समय या अधिक दूर तक लगाए गए कम बल यानी फोर्स से भारी वजन को कम दूरी के लिए उठाया जा सकता है। जैक को बनाने के लिए आपको चाहिए कुछ आइसिंग स्टिक्स, कॉपर का तार, सुई, कुछ सिरिंज, एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा और एक लचीली या फ्लेक्सी ट्यूब। सबसे पहले एक सिरिंज में एक फ्लेक्सी ट्यूब लगाएं। अब थोड़ा रंगीन पानी डालें। हम रंगीन पानी का उपयोग इसलिए कर रहे हैं जिससे हाइड्रोलिक्स अच्छे से दिखाई पड़े। अब लचीली ट्यूब के दूसरे सिरे पर एक सिरिंज लगाइए। प्लंजर को पुश या पुल करके उस भाग को परख लीजिए। अब आइसक्रीम स्टिक्स लें और उनके सिरों और बीच में सुई की सहायता से छेद कर लें। ऐसा आप सभी आठों स्टिक्स के लिए करिए। अब कॉपर का तार लीजिए और दो स्टिक्स के बीच में फिरो दीजिए। स्टिक्स को आपस में बांधने के लिए दोनों तरफ फंदा बना दीजिए। ऐसा आप सभी छह स्टिक्स के साथ करिए। इससे एक फॉर्क नुमा या लेजी टॉन्ग या सांप जैसा आकार बन जाएगा। देखिए छह स्टिक्स से कितना अच्छा सांप के आकार का ये बन गया है। अब बची हुई दो स्टिक्स लें और उसमें लंबाई में चीरा लगाकर उनको इस आकार के ऊपर लगा दें। ऐसा करने से ये आइसक्रीम स्टिक्स इधर उधर हिल सकती हैं, मतलब मूव कर सकती हैं। और आपका जैक तकरीबन तैयार है। आपको सिरिंज को आइसक्रीम स्टिक्स के ढांचे के नीचे लगाना है। देखिए ऐसे। अब प्लंजर को पुश करें और देखिए जैक हिल रहा है। पुल करके जैक को वापस अपनी जगह पर ले आएं। जैक के ऊपर कोन लगाकर और कार्डबोर्ड उस पर चिपका दें। यह आपका आधार है जिस पर आप वजन रखकर उठा सकते हैं। आप यहाँ यह सिद्धांत देख रहे हैं कि हम प्लंजर को छोटी दूरी के लिए पुश करते हैं और हम भार अधिक दूरी तक उठा रहे हैं। दरअसल यह मैकेनिकल एडवांटेज का सिद्धांत बता रहा है, लेकिन विपरीत ढंग से। इसको असल जैक में बदलने के लिए हमें इस असेंबली को उल्टा करना होगा, यानी कि हमें जैक को कम दूरी तक पुश करके अधिक भार उठा सकने वाला बनाना होगा। इस स्थिति में आप देखेंगे कि हम इस पूरे आइसक्रीम स्टिक्स के ढांचे को लंबी दूरी तक पुश करेंगे, भार को कम दूरी तक उठाएंगे। ये बड़ा ही दिलचस्प हाइड्रोलिक उपकरण है जिससे खेलने में बच्चों को बड़ा ही मजा आएगा।